बहुत ज्यादा ठंड चल रही है, कोरोना भी टाइम चल रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं डीएम साहब हमारी छुट्टी करवा। कड़ाके की ठंड से देश के कई राज्य बेहाल हैं, यहां तक कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस पूरे हफ्ते शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया रहेगा। ऐसे मौसम में मासूमों को स्कूल जाने में बेहद परेशानी हो रही है। इसको लेकर बुलंदशहर के छोटे बच्चों ने डीएम से स्कूलों को बंद करने की गुहार लगाई है। देखिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत में इस हफ्ते घना कोहरा छाए रहने और भीषण शीतलहर के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमोत्तर भारत के ज्यादातर इलाके शीतलहर की चपेट में रहेंगे। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। इन राज्यों के कुछ इलाकों के साथ ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अगले 2 दिन ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हल्की हवाओं और मैदानी इलाकों में ज्यादा नमी के कारण कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल से पश्चिमी दिशा की तरफ बहने वाली हवाओं के कारण उत्तर भारत में अगले 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है। राजस्थान के उत्तरी इलाके में ठंड के बढ़ने के आसार हैं। मंगलवार तक अधिक ठंडी हवाएं चल सकती हैं। वहीं पंजाब में अधिक ठंड से जनजीवन पटरी से उतर गया है। यहां भी अगले 2 दिनों में तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। बुलंदशहर में सर्दी और कोहरे से परेशान मासूमों ने डीएम से छुट्टी की गुहार लगाई है। बच्चों का कहना है कि कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। बच्चों ने डीएम से अपील करते हुए कहा कि डीएम सर छुट्टी करा दो, कोरोना का भी डर है। बता दें कि बुलंदशहर में सर्दी और घने कोहरे के कारण पारा लगातार गिर रहा है। घने कोहरे से विजिबिलिटी सामान्य से काफ़ी कम हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है हमें भी, डीएम सर कृपया हमारी भी छुट्टी करा दें आज स्कूलों की। कोरोना का भी समय चल रहा है, हल्का हल्का कोरोना भी आप फैल रहा है इस टाइम, इसलिए हम चाहते हैं आप छुट्टी करा दें हमारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।